लाल ईंटों से कई ज्यादा मजबूत सीमेंट ईंट कर्व स्टोन और पीवर ब्लॉक के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें सागर ब्रिक्स इंडस्ट्री बड़गांव भीला रोड खंडवा। सुना आपने गाड़ियों के सॉकअप खराब हो रहे हैं। दरअसल ये पीड़ा है ऑटो वालों की। ऑटो वाले की दिक्कत ये है कि उनकी गाड़ी के जो पहिए हैं वो छोटे होते हैं। रेलवे ओवरब्रिज पर जो गड्ढे हैं उनसे इनको दिन भर होकर निकलना पड़ता है। इनकी गाड़ियों में नुकसान हो रहा है। इन्होंने अपने हित को ध्यान में रखते हुए आज रेलवे ओवरब्रिज के गड्ढे मुरम और मिट्टी डालकर भरे। इनका ही कहना था जब तक इसमें सुधार होगा कम से कम कुछ तो इनको लाभ होगा और शहरवासियों को लाभ होगा। लगभग 12 से 15 ऑटो वालों के समूह ने व्यक्तिगत तौर पर सुबह सुबह मेहनत शुरू कर दी ताकि रेलवे ओवरब्रिज के गड्ढे भरे जा सकें। और इनका ये कहना था कि ये गड्ढे लंबे समय से यहाँ पर मौजूद हैं। ये बाजू में पेचवर्क है लेकिन ये टेम्परेरी है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर दो चार दिन में ही वापस गड्ढे हो जाते हैं। सरिये निकले हुए हैं, लोगों को काफ़ी असुविधा हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने आज गड्ढे भरे और इनका स्पष्ट कहना था कि ये गड्ढे इन्होंने अपने ऑटो वालों की सहूलियत के लिए भरे हैं क्योंकि जो ऑटो हैं ऑटो के जो पहिए हैं वो छोटे होते हैं और दिन भर इनको सवारी को लेकर रेलवे ओवरब्रिज से होकर जाना पड़ता है और इनको काफ़ी नुकसान होता है जिसके चलते इन्होंने आज गड्ढे भरने का काम किया। क्या कर रहे हो तुम लोग, कौन हो और गड्ढे क्यों भर रहे हो? सारे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे ब्रिज पे। अच्छा, तो इसके बारे चार दिन से परेशान था। अच्छा, तो गड्ढे भर रहे थे ब्रिज पे। कितने लोग, कौन लोग भर रहे हैं? आप लोग कौन हो? मेरे साथी गैंग हो लोग। साथी गैंग, क्या करते हो तुम लोग? ऑटो चलाते हो। अच्छा, तुम सब ऑटो वाले हो जो भर रहे हो? हाँ, जितने भी ऑटो वाले। अच्छा, क्यों, तुम्हें क्या पड़ी है? सरकार करती है काम, तुम्हें क्या दिक्कत है? हमारे गाड़ी का नुकसान हो रहा है। वो गाड़ी का नुकसान हो रहा है, कमाते 10-10 रुपए। हाँ, एक खट्टा करते उसमें 4-5 सौ 1000-1200 रुपए भरना पड़ता है। वो गाड़ी क्या टूट जाता है? गाड़ी एक्सल, एक्सल टूट जाता है, छर्रे कटरे चले जाते हैं। अच्छा, कौन देगा? अच्छा, तो इसलिए भर रहे हो कि तुम्हारा नुकसान हो जाता है या और भी कोई कारण है? नहीं, बस हमारे नुकसान के पीछे हम भर रहे हैं गाड़ी। अच्छा, ये जितने भी ऑटो वाले सब 10-15 जने, मेरे साथ वाले आए ऑटो लेके ऊपर गए। अच्छा, जिसके जितने भी गड्ढे थे सब मैंने भरा। सब भर दिए तुम लोगों ने? जी। कितने लोग हो ऑटो वाले? 12-13 जने। तो ऑटो यूनियन वाले हो या तुम 10-12 ऑटो वाले हो? बस ऑटो यूनियन वाले नहीं आए। अच्छा, ऑटो जन वाले आए 12-13 जने। अच्छा, तुम लोग इस ब्रिज से रोज जाते हो तो तुम्हारे ऑटो क्या एक्सल टूट जाता है कि नुकसान होता है? जी। चक्का छोटा होता है ऑटो का? ऑटो का चक्का छोटा रहता है, बड़ी गाड़ी तो निकल जाती है उसमें से। क्या कहोगे जिन लोगों को वास्तव में भरना चाहिए उनको, उनके लिए क्या कहोगे तुम लोग? उनको चक्का ला रही तो अपन क्या करें? अच्छा, अब हम तो हमारे गाड़ी के लिए कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। तुम अपने लिए कर रहे हो? हाँ। अच्छा, ठीक। गरीब का घर भी अमीर का आशियाना भी, हम सब बनाते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं।